नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर बीएससी बीएड थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहां पर लेक्चर 1 के 2 पार्ट होंगे और इस वीडियो में पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। टॉपिक है एक विमीय बॉक्स में कण। जनरल बीएससी की तीसरे यूनिट के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। जनरल बीएससी के अंदर ये तीसरा लेक्चर रहेगा, उससे पहले 2 लेक्चर मुझे और अपलोड करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं इसको बीएससी बीएड के लिए अपलोड कर रहा हूँ, 2 टॉपिक उसके अपलोड करने के बाद जनरल बीएससी के, इसको मैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसको आगे क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा था, काल आश्रित अनाश्रित और उस पर आधारित काफ़ी टॉपिक्स हमने पढ़े। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर समीकरण के बारे में आती है। टॉपिक है एक विमीय बॉक्स में कण। इसको एक विमीय अनंत विभव कूप में कण भी बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक विमीय बॉक्स में कण। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एक विमीय बॉक्स है, x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक इसकी बाउंड्री कंडीशन दी गई है। इसके मध्य ये जो पार्टिकल है वो गति करता है। x बराबर 0 पर vx यानी विभव का मान है वो इन्फिनिटी है और x बराबर a पर भी विभव का मान इन्फिनिटी है। इसके मध्य विभव का मान जो है 0 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और vx सिर्फ लिखा गया, यहाँ पर vxt नहीं लिखा गया, यानी इस पर टाइम से इंडिपेंडेंट माना गया है। तो यहाँ पर काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की हम सहायता लेंगे। तो माना एक m द्रव्यमान का कण एक विमा में गति कर रहा है जो x बराबर 0 और x बराबर a के मध्य ही संभव है, यानी इससे बाहर पार्टिकल नहीं जा सकता है। और अगर पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा सकता है तो उसके बाहर जो तरंग फलन साई x की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होती है। x बराबर 0 तथा x बराबर a पर विभव दीवारें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिटी दिखा रखा है, विभव का मान है यहाँ पर x बराबर 0 पर है और x बराबर a पर है। v बराबर 0 जब x का मान 0 और a के मध्य है, यानी x का मान जब 0 और a के मध्य होता है उसके लिए विभव का मान कितना, यहाँ पे 0 है। और जब x का मान 0 और a के बराबर या इनसे बड़ा होगा, यानी इसके लिए इससे छोटा और इसके लिए इससे बड़ा होगा, तब वहाँ पर v का मान है वो अनंत होता है। इनको बाउंड्री कंडीशन बोला जाता है, परिसीमा प्रतिबंध बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही तरंग फलन है वो वर्क करता है। वी एक्स बराबर 0 होगा जब x जो है वो क्या हो, 0 और a के मध्य होता है। वी एक्स बराबर अनंत होगा कब, जब x का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, यानी या तो 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। और इसी प्रकार से x का मान है वो अगर a के बराबर या a से बड़ा है तो भी vx का मान उसके लिए क्या होगा, अनंत होता है। जब कण x बराबर 0 या x बराबर a पर पहुंचता है तो v बराबर अनंत यानी विभव जो अनंत है उसके कारण उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे क्या होता है वो दीवार के पास पहुंचने से पहले ही वापस मुड़ जाता है। इसी प्रकार x बराबर 0 की तरफ होता है और ये जो पार्टिकल है वो इसके अंदर ही गति करता रहता है, जिस कारण कण की गति 0 से लेके 1 के मध्य ही रहती है। अतः कण के संगत तरंग फलन साइंस का मान बॉक्स के बाहर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इस विभव रोधिका के कारण जो तरंग फलन है वो इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो इसके बाहर तरंग फलन जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट है। अर्थात साइंस बराबर 0 जब एक्स ग्रेटर देन इजकल टू ए या एक्स लेस देन इजकल टू 0 हो, क्योंकि विभव समय पर निर्भर नहीं है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो समय पर निर्भर नहीं है, इसलिए हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं एच कैप साइन बराबर क्या होता है, ई साइन होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है जिसमें विभव भी आता है, लेकिन यहाँ पर विभव समय पर निर्भर नहीं है। और अगर हम लिमिट लेंगे यहाँ पर 0 से 1 की तो उसके लिए वी का मान 0 होगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हैमिल्टोनियन v को हटा के आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तरंग फलन इस पे ऑपरेट हो जाएगा साइन x बराबर ई साइन x। ये किसके लिए है, जब आपका तरंग फलन यानी x का मान 0 और a के मध्य है, समीकरण नंबर होगी 2। यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, डी स्क्वायर साइन x अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये जो आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m है
ये दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू एम ई अपॉन एच क्रो स्क्वेयर साइन एक्स। फिर हम इसको इधर ले आएंगे, प्लस लगा देंगे, बराबर आ जाएगा जीरो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं टू एम ई अपॉन एच क्रो स्क्वेयर है उसको हमने कॉन्स्टेंट मान लिया, के स्क्वेयर डी स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साइन एक्स बराबर जीरो, समीकरण नंबर होगी तीन, जहां पर के स्क्वेयर बराबर क्या है 2me बटे h क्रॉस स्क्वायर और e क्या है कण की टोटल एनर्जी है। अब ये जो समीकरण नंबर तीन है इसका व्यापक हल हम यहाँ पे मानेंगे, यानी साइन x बराबर व्यापक हल है वो दो प्रकार से माने जाते हैं, एक तो साइन और कोस में माने जाते हैं जिनके साथ में अपने कॉन्स्टेंट भी आते हैं, और दूसरे व्यापक हल जो है वो e की आयोटा के अंदर माने जाते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका हल मान लिया साइन x बराबर, यानी ये जो श्रोडिंगर समीकरण थी इसका हल मान लिया साइन एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, समीकरण नंबर चार। अब हमें सबसे पहले ए और बी कॉन्स्टेंट जो है उनके मान ज्ञात करने होंगे, उनके अकॉर्डिंग अपने को साइन एक्स यानी तरंग फलन का मान ज्ञात करना है, और फिर मुझे अपने जो आइगन फलन है वो यहाँ पर ज्ञात करना होगा, नियतांक ए व बी के मान ज्ञात करना। आप जानते हैं x बराबर जीरो पर क्या है, x बराबर जीरो पर साइन x बराबर जीरो है, तो समीकरण चार में अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब x का मान जीरो रखूंगा तो साइन x बराबर तो जीरो हो जाएगा, साइन के एक्स यानी साइन जीरो का मान जीरो होता है, कोस जीरो का मान एक होता है, तो यहाँ से आएगा b और b बराबर क्या आ जाएगा जीरो, इस कॉन्स्टेंट का मान हमारे पास आ जाएगा जीरो, समीकरण नंबर पाँच। फिर समीकरण चार से जब हम ये वैल्यू b बराबर जीरो समीकरण चार में पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन x बराबर मिलेगा a साइन के x, यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर छः हमारे पास आ जाएगी साइन x बराबर a साइन के x। फिर हम यहाँ पर पर्श्वमानीकर तरंग फलन जो होता है उसका हम प्रयोग करेंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन स्टार x साइन एक्स डी एक्स बराबर एक, ये एक एक विमीय के अंदर यहाँ पर पर्श्वमानीकर तरंग फलन है। यहाँ पर लिमिट हमारे पास हमारे जो बॉक्स दिया गया है उसमें जीरो से लेके एक की लिमिट हमारे पास है, तो यहाँ पर हम माइनस अनंत से प्लस अनंत को हटा देंगे और जीरो से एक की लिमिट हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि साइन स्टार की वैल्यू यहाँ पे आयोटा नहीं है तो साइन स्टार से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इंटू में साइन है यानी ये स्क्वेयर इसका बन जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स बराबर एक। फिर हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ए स्क्वेयर है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जीरो से आ जाएगा लिमिट ए, साइन स्क्वेयर के एक्स को हम कोस में चेंज कर देंगे वन माइनस कोस टू के एक्स अपॉन हो जाएगा टू, ये जो बटे में दो है ये आ जाएगा बाहर तो ए स्क्वेयर बटे दो हो गया, यहाँ से समाकलन होगा वन का कॉन्स्टेंट का होगा एक्स माइनस साइन टू के एक्स अपॉन टू यहाँ पर आ जाता है जीरो से, ये यहाँ पर लग जाएगी बराबर है हमारा एक। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि के की जो वैल्यू है उसको हम अगर पाई में कन्वर्ट कर दें तो साइन अपनी वैल्यू हमें देगा, तो के बराबर क्या होता है टू पाई अपॉन लैम्डा होता है के बराबर, तो यहाँ पर टू पाई अपॉन लैम्डा आ जाएगा और साइन टू पाई की वैल्यू होती है जीरो, यानी कि हमारे पास आएगा सिर्फ ए स्क्वेयर ए अपॉन टू बराबर एक, और यहाँ से हम वैल्यू ज्ञात करेंगे कैपिटल ए की तो आएगा हमारे पास रूट टू अपॉन ए, ये आ गया कॉन्स्टेंट ए का मान। अब इसको हम समीकरण नंबर पाँच के अंदर जब वापस से रखेंगे तो एक विमीय बॉक्स में कण का तरंग फलन क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट था उसकी जगह आ जाएगा रूट टू अपॉन ए साइन एक्स बराबर रूट टू अपॉन ए साइन के एक्स, समीकरण नंबर आ गई सात, ये आ गया तरंग फलन का मान। अब हमें निकालना है आइगेन फलन, तो एक विमीय बॉक्स के अंदर कण की कुल ऊर्जा जो है ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन टू एम होती है और उसका जो ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन एच के बराबर क्या होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साथ में हैमिल्टोनियन में वी आर वेक्टर और होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है जीरो बताई गई है, तो इसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर साइन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ई साइन एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइन एक्स है वो आइगेन फलन कहलाते हैं, ऊर्जा आइगेन फलन कहलाते हैं, और ये एक आइगेन मान समीकरण है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो समीकरण सात जो है हमारे क्या है साइन एक्स बराबर रूट टू अपॉन ए साइन के एक्स, जहाँ के संभव मान एक्स बराबर ए पर साइन एक्स बराबर जीरो से हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक्स बराबर ए के ऊपर वी बराबर अनंत है जहाँ पे साइन एक्स बराबर जीरो है और इससे बाहर भी साइन एक्स का मान क्या है जीरो है। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मान आएगा जीरो बराबर
अंडर रूट टू अपॉन ए साइन के ए, यानी एक्स बराबर जब हमने ए रखा तब हमें साइन एक्स बराबर जीरो मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा के ए, जहां पर के ए बराबर क्या होता है एन पाई होता है, समीकरण नंबर होगी 8। यहाँ पर जो n है वो एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1, 2, 3 इस प्रकार से। n का मान 0 नहीं हो सकता यहाँ पर, अगर ऐसा हुआ तो फिर जो आपका बॉक्स है उसके अंदर भी साइन x का मान 0 होगा, तब हम कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो समीकरण में kx है वहाँ पर हमें क्या रखना है, n पाई रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा के ए आया और के ए बराबर एन पाई है, तो हमारे पास जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, फलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर अंडर रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। यहाँ पर हमने जो के है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, एन पाई अपॉन ए आ जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं के की वैल्यू एन पाई अपॉन ए आएगी, समीकरण नंबर आएगी 9। ये आ गई अपनी ऊर्जा आइगन फलन की। इस वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ऊर्जा आइगन मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, और उनके लिए हमें समीकरण 8 का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, के ए बराबर एन पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।